Hello, good morning, India. Friday back to back classes live from studio. Aaj hi subscribe karein wifistudy channel ko aur acche video aur courses ke liye description mein diye gaye link pe. Namaskar dosto, wifistudy mein aapka swagat hai. Kaise ho? Badhiya, first class dosto. Jaisa ki aapko dhyan hai ki hamara jo topic hai wo shabd shuddhi chal raha tha. Aaj hum isko samapt kar lete hain. Kal aapko main ya to patra padha dunga ya aapke hi kehne ka matlab jo छंद है वो देख लेंगे. पत्र पढ़ाएंगे कल ना. तो अगर नेक्स्ट चलते हैं अपन री के स्थान पर रे के कारण कारण अशुद्धि. यानी दोस्तों सीधी सी बात है, लाइन से आप समझ जाइए. जहां पर री होना चाहिए वहां पर रे हो रहा है, इसलिए जो वर्तनी है वो अशुद्ध हो रही है. सीधी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा. जैसे उदाहरण लिखू मैं, श्रृंगार आपका, श्रृंगार के बाद में आपकी सृष्टि है, ठीक है भाई. सृष्टि के बाद में आपका दृश्य है, दृश्य के बाद में आपका अनुग्रहित है, अनुग्रहित के बाद में आपका पैतृक है, पैतृक के बाद में आपका गृहिणी है, गृहिणी के बाद में आपका प्रकृति है, ठीक है भाई. प्रकृति के बाद में आपका भृंग है, भृंगु है आपका, भृंगु के बाद में जो नेक्स्ट शब्द है वह आपका जागृति है. ऐसे ही संग्रहित है, ठीक है. संग्रहित के साथ ही आपका श्रृंग है, श्रृंग के साथ ही आपका गृहित है, गृहित के साथ ही आपका वृत्त है, वृत्त के साथ ही आपका सॉरी वृतांत है, और मृदंग है, वृतांत है, मृदंग है, और नेक्स्ट देखें तो आपकी श्रृंखला है, ठीक है भाई. अब देखिए, मैंने आपको कल एक बात बताई थी बहुत ही अच्छी, कि जो रे है वो चार प्रकार के होते हैं. तो जहां पर री होना चाहिए, री का मतलब समझ रहे हो आप, ऋषि वाला री, वहां पर रे आ गया है. इस वजह से जो आपकी वर्तनी है वह अशुद्ध हो गई है. आपको री को हटाकर सॉरी रे को हटाकर री लगाना है और वर्तनी को शुद्ध करना है. जैसे श्रृंगार है तो आपका ये श्रृंगार हो जाएगा भाई, यही तो है रे, इसी का तो खेलता है, इसी वजह से तो गलत हो रहा था, तो अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई. सृष्टि है देखो आपकी, तो ये आपकी सृष्टि होनी चाहिए ऐसे. ये आपकी, ये री है, हमेशा याद रखना भाई, ये री का प्रयोग है ऐसे ही. ये आपका दृश्य है अनुग्रहित में, ये अनुग्रहित है. पैतृक में ये पैतृक होगा भाई, हमेशा याद रखना ये पैतृक होगा. आगे ये गृहिणी होगी भाई, इसके साथ ही ये प्रकृति होगी, ठीक है ना. ऐसे ही भृंग में हमने देखे तो ये आपका भृंग होगा. अगर भृंगु की बात करें तो ये भृंगु होगा. जागृति में ये जागृति होगी, ठीक है ना, यही होगी ना. संग्रहित में
संग्रहित होगा। श्रृंग में आपका ये श्रृंग होगा, श्रृंग यानी सिंग होता है। ग्रहित में देखिएगा ये ग्रहित होगा, वृत्तय में ये वृत्तय होगा। ऐसे ही वृत्तांत आपने बिल्कुल सही कर लिया होगा दोस्तों, वृत्तांत ये होता है। मृदंग में ये मृदंग होता है और श्रृंखला में ये श्रृंखला होती है। तो ये जो अशुद्धि थी इसका सीधा सा कारण आपको ध्यान था और वो कारण था री के स्थान पर र के कारण अशुद्धि, यानी जहां पर री होना चाहिए वहां पर र हो गया और जो वर्तनी है वो आपकी अशुद्ध हो गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे चले दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपका एग्जाम भी अब करीब आ चुका है, तो कल आपको मैं पत्र संबंधित ज्ञान करवा देता हूं। कुछ बच्चों की डिमांड थी तो कल अपन पढ़ ही लेते हैं आखिरकार, है ना। अब देखो आपके सारी डिमांड है तो पूरी कर नहीं सकता मैं क्योंकि समय का बड़ा अभाव है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा अपन पढ़ेंगे जरूर। आगे नेक्स्ट जो है वह है संयुक्ताक्षर संबंधी अशुद्धि, यानी जो अशुद्धि हो रही है उसका कारण है एक संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्त अक्षर का प्रयोग ज्यादा हो रहा है और जो वर्तनी है वो आपकी अशुद्ध हो रही है। जैसे कबड्डी, अब यार ये तो कर लो कम से कम जल्दी से, ठीक है ना, ये आदब है। कबड्डी के साथ ही नहीं आया आपका महत्व है, ये आपका विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय के साथ ही आपकी ये जयोत्सना है, ये आपकी जयोत्सना है, ठीक है ना, ये आपका पद्य है, पद्य के बाद में ये आपका लग्न है, ठीक है, लग्न के बाद में ये आपका दफ्तर है और दफ्तर के बाद में ये आपका द्वितीय है। अब यहां पर सीधी सी बात है, जो अशुद्धि है दोस्तों उसका एक ही कारण है कि संयुक्त अक्षर का सही प्रयोग नहीं हो रहा है। अपने को संयुक्त अक्षर का सही प्रयोग करना है और जो वर्तनी है उसको शुद्ध करना है। तो देखिएगा कबड्डी ऐसे लिखी जाती है, ध्यान रखना हमेशा, ये कबड्डी आपने पता नहीं कैसे लिखा, देख लेना एक बार भाई, ये आपका महत्व है, ये आपका, अब देखो विद्यालय में इधर भी लिख देता हूं, एक विद्यालय तो ये है, ठीक है ना, आप ये भी लिख, और एक विद्यालय आप ये भी लिख सकते हो, आजकल इसको भी मान्यता दे दी गई है, इस विद्यालय को भी सही माना जाता है। ठीक है भाई, यहां से ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, जयोत्सना, ये आपका जयोत्सना ही आएगा शुद्ध भाई। पद्य देखो, आप ये भी पद्य लिख सकते हो सही है, और आपका ये पद्य भी आपने देखा है, तो दोनों ही सही की दृष्टि में है, क्योंकि हितिन देते सारे ने आजकल इसको भी मान्यता दे दी है। आगे बात करें, ये आपका लग्न है, ये आपका दफ्तर है और ये आपका द्वितीय है, ठीक है ना, वैसे ये भी द्वितीय सही होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर हिंदी निर्देशालय का देखें तो। ये जो है अशुद्धि थी उसका सीधा सा कारण था संयुक्ताक्षर संबंधी अशुद्धि। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे संधि संबंधी, संधि संबंधी अशुद्धि, यानी संधि की वजह से क्या हो रही है भाई, अशुद्धि हो रही है। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण है, उपरोक्त है, अतियोक्ति है, ठीक है ना, ऐसे ही आपका
उज्जवल है, उज्जवल के साथ ही निरोग है, निरोग के बाद में तदोपरांत है, सदोपदेश है, ठीक है भाई, सदोपदेश के बाद में शरदोत्सव है, लघुत्तर है, लघुत्तर के बाद में महेश्वरी है, अनुसंग है, अनुसंग के बाद में यावत जीवन है, यावत जीवन के बाद में पयोपान है, पयोपान के बाद में विषाद, ये विषाद रविंद्र निरावलंब है, ठीक है ना। अब ये जो है शुद्धि है, ये शुद्धि की वजह से है। अब दोस्तों सीधा सा है, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस छोटा सा काम करना है। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ना, ये संधि शब्द नहीं है, आपको तो इनको संधि शब्द बनाना है और इन शब्दों को शुद्ध करना है। तो आप बना सकते हो, ऐसी कोई इसमें कोई विशेषता वाली बात नहीं है कि आप इसमें संधि शब्द नहीं बना सकते हो। जैसे उपरोक्त है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उपरोक्त शब्द तो होता ही नहीं है। होता है क्या भाई उपरोक्त शब्द? नहीं होता है। यहां पर जो शब्द होता है वो उपयुक्त होता है। क्या होता है भाई? उपयुक्त। क्योंकि उपरोक्त का अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो उपरोक्त में कोई संधि विच्छेद नहीं होता। यहां पर जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? उपयुक्त होगा। यहां पर जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा भाई? उपयुक्त होगा। देखिएगा, ये आपका संधि विच्छेद होगा, ठीक है ना। और आप इसका अगर संधि विच्छेद करते हो तो ऊपरी प्लस उक्त। अतियुक्ति की बात करते हैं अपन, तो यहां पर ये होगा अतियुक्ति। क्या होगा भाई? अतियुक्ति होगा, अति प्लस उक्ति। देखो उज्ज्वल में ये क्वेश्चन बहुत बार आता था आपके एग्जाम में। अब ये दोनों जो यहां पर क्या होने चाहिए? आधे, क्योंकि अकेला है, अगर पूरा तो यह संधि नहीं हो सकती। तो इसका अपन करेंगे उज्ज्वल। क्या करेंगे भाई? उज्ज्वल। ऐसे ही निरोग है। तो अब देखो यहां पर इस शब्द में संधि नहीं होती है, और यहां पर संधि नहीं होने का कारण है कि जो संधि होगी वो आपकी संधि का कारण निरोग बड़ा आएगा भाई, बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए ये निरोग होगा आपका दोस्तों, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, और सही निरोग ये होता है, हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है ना। आगे देखिए तदुपरांत का जो होगा, यहां पर होगा तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत, क्योंकि इसका अपन संधि विच्छेद नहीं कर सकते। तदुपरांत का अपन कर सकते हैं तत् प्लस उपरांत, सदोपदेश का अपन कर सकते हैं सदुपदेश, सत प्लस उपदेश हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा ना। देखो इसका तीसरे का पहला इसका तो सत हो जाएगा और ये आपका उपदेश हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन शरदोत्सव की बात करें तो शरदोत्सव का अपन संधि विच्छेद नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन अगर इसको मैं शरदोत्सव की जगह शरदोत्सव कर दूं तो फिर इसका हो जाएगा। ऐसे लघुत्तर में ये लघुत्तर होते हैं, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। महेश्वरीय में ये महेश्वरीय होगा, ये अनुसंग होगा, आपको मैंने पढ़ाया था ना, एक उनके साथ सट। याव जीवन में इसका होगा याव जीवन, ठीक है। पयोपान में होगा पयपान, पयोपान का क्या होगा भाई? पयपान होगा। ऐसे ही अगर अपन विषाद की बात करें तो ये विषाद हो जाएगा रविंद्र में, भी बड़ा हो जाएगा रविंद्र, और निरावलंब में निरवलंबन हो जाएगा, क्योंकि निर प्लस अवलंबन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये जो है शुद्धि थी, इसका सीधा सा कारण था दोस्तों, और वो था संधि के कारण अशुद्धि।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों अपन। नेक्स्ट है प्रत्यय संबंधी शब्द शुद्धि, प्रत्यय संबंधी। नेक्स्ट प्रत्यय है, प्रत्यय आपको जानते हो हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते हैं और प्रत्यय की खास बात होती है दोस्तों ये शब्द ही नहीं शब्द के अर्थ को भी बदल देते हैं, यानी अर्थ को साथ साथ ये कभी कभी शब्द को भी बदल देते हैं, तो इस बात का आप याद रखिएगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। जैसे शब्द है प्रामाणिक, ठीक है, ऐसे ही ऐतिहासिक, इसके साथ ही जो शब्द होगा सैनिक, वैदिक, वैदिक के बाद में होगा पुराणिक, ठीक है, पुराणिक के बाद में होगा भूगोलिक, भूगोलिक के बाद में होगा माधुर्यता, माधुर्यता के बाद में होगा कौशलता, कौशलता के बाद में होगा औदार्यता, फिर होगा निर्धनी, ठीक है, माननीय, माननीय, इसके बाद में होगा कृतघ्नी, कृतघ्नी और अनुवादित। अब जो इनमें अशुद्धि है वो प्रत्यय के कारण है, यानी सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और जो वर्तनी है वह अशुद्ध है, तो अपने को सही प्रत्यय लगा हुआ है इनमें लेकिन इनका अपन को सही करना है दोस्तों। जैसे प्रामाणिक होता है भाई, प्रामाणिक नहीं होता है, इसका ऐतिहासिक होता है, ये आपका सैनिक होता है, ये आपका वैदिक होता है, ये आपका पौराणिक होता है, ये भौगोलिक होता है, माधुर्यता में माधुर्य होता है, कौशल होता है, यहां पर औदार्य होता है, निर्धन है ये माननीय है, ठीक है ना, कृतघ्न होता है, और यहां पर अनुदित होता है, अनुवादित नहीं होता है। तो ये जो अशुद्धि थी इसका सीधा सा जो कारण था वो था क्या भाई, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि, यानी प्रत्यय की वजह से यहां पर अशुद्धि हो रही थी, इसलिए जो वर्तनी है वो अशुद्ध हो रही थी। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मात्रा संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट है मात्रा संबंधी अशुद्धि, यानी मात्रा की वजह से अशुद्धि हो रही थी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। यहां लिखता हूं रात्रि, हानि, मूर्ति, तिलांजलि, वाल्मीकि, बीमार, परीक्षा, पत्नी, पत्नी के बाद में ये शब्द बहुत बार आता है भाई, रचयिता, महीना, पीपलिका, बहुत ही अच्छा शब्द है पीपलिका, अभी बताऊंगा भाई पीपलिका ना, गुरु, गुरु के बाद में
मुमूर्सु, इसके बाद में मुहूर्त, मुहूर्त के बाद में एरावत, मुहूर्त के बाद में क्या है भाई, एरावत, एरावत के बाद में सामूहिक, एरावत के बाद में क्या है भाई, सामूहिक है, ऐसे ही वित्तेषणा है, त्यौहार है, क्या है भाई, त्यौहार है, ददीची है, ददीची के बाद में नुपुर है, प्रतिनिधि है, और आपकी वधु है। अब इन शब्दों में जो है शुद्धि है उसका सीधा सा कारण है और वह है मात्रा संबंधी अशुद्धि। जो अशुद्धि है उसका कारण क्या है भाई, मात्रा संबंधी अशुद्धि। अब अपने को मात्रा सही करनी है और वर्तनी को अशुद्ध करना है, शुद्ध करना है, तो ठीक है। अब देखो मात्रा बिल्कुल सही प्रयोग है भाई मात्रा का, ठीक है भाई। तो अब देखिए अपन देखते हैं, बिल्कुल आपने अच्छा किया होगा दोस्तों। रात्रि है तो रात्रि का ये रात्रि होगा भाई, देखो सही रात्रि ये होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हानि का ये हानि होगी, मूर्ति में ये मूर्ति हो जाएगी मात्रा की, तिलांजलि ये होगी, तिलांजलि में मात्रा छोटी आएगी, अंजलि में, अंजलि में छोटी आती है। वाल्मीकि में, वाल्मीकि ये होगा भाई, ये आपका बीमार होता है, आप ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे ना तभी मैं कल पत्र पढ़ाऊंगा आपको, देखता हूं ना मैं, जब देखो मजा नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा लाइट होगा करो, शेयर किया करो, तब आनंद आता है आपका, जोर से मजा आएगा और भी अपने को ना। फिर ऐसे क्या करते हो यार। परीक्षा में ये परीक्षा होगी, पत्नी में हमेशा बड़ी आती है, पति हमेशा छोटा होता है, पत्नी हमेशा बड़ी होती है, ध्यान रखना इस बात का। रचयिता में ये रचयिता होगा, ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। महीना में ये महीना होगा। पीपली का, पीपली का यानी पता है क्या होता है, चीटी होती है, चीटी को हिंदी में पीपली का कहा जाता है। गुरु सही है, छोटा होता है, मुमूर्सु ये होगा, ठीक है। मुहूर्त ये होगा भाई, एरावत आपका ये होता है, ठीक है ना। सामूहिक में ये सामूहिक होता है। वित्तेषणा में सही लिख दिया मैंने, वित्तेषणा। त्यौहार में एक मात्रा आती है, त्यौहार। ददीची में ये ददीची होता है, ददीची में ये ददीची होता है। नुपुर में ये नुपुर होगा। प्रतिनिधि में ये प्रतिनिधि होगा भाई। और वधु में मात्रा हमेशा, एक बात हमेशा याद रखना, स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा हमेशा बड़ी होती है। आपको और कोई टॉपिक, देखो आपके एग्जाम है पास में, फिर भी आपको कोई टॉपिक है तो आप, मैंने अनअकैडमी पे फ्री प्लेटफॉर्म पे डाल रखा है, तो बेटा वहां से भी देख लिया करो, कोई भी दिक्कत आए ना तो वहां से। बाकी आपका एग्जाम पास में है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे ना, तो कल पत्र और भी मस्त होकर पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना भीड़ के मजा नहीं आता है। तो ये जो अशुद्धि थी उसका कारण था मात्रा संबंधी। आज हमारी शब्द शुद्धि समाप्त होती है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन देखो बहुत सारे आएंगे यहां से, कल परसों आपका एग्जाम है तो आप थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना, बाकी ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसे देख सके। धन्यवाद दोस्तों।